धम्म ज्ञान धम्म इन्फॉर्मेशन सुखमय चार गुण मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए चार गुण जरूरी है। ये चार गुण को बौद्ध साहित्य में इस तरह बताया गया है। एक, जीवन में उत्साह और परिश्रम करना। दो, अच्छे और सच्चे व्यक्ति की संगत करना। तीन, अपनी संपत्ति की उचित तरह से रक्षा करना। चार, अपनी कमाई के मुताबिक खर्चा करना। जिसने ये चार बातें अच्छे से जीवन में समझ के पालन किए तो उसके जीवन में सुख ही सुख होना है, कल्याण ही कल्याण होना है। संपत्ति विनाश के कारण जीवन में संपत्ति होना जरूरी है, संपत्ति कमाना जरूरी है, मगर जो अपने पास संपत्ति हो उसको सही रूप में सुरक्षा करना भी जरूरी है। विनाश के जितने भी राह है, जितने भी रास्ता है, उससे दूर रहना भी जरूरी है। मित्रों की मूर्खता, शत्रुओं की सक्रियता, अपनी अज्ञानता, प्राकृतिक कारण आदि विविध कारणों से जो अपने पास धन संपत्ति है उसका नाश हो सकता है, ये तथागत बुद्ध ने अच्छी तरह से बताया है। तथागत बुद्ध ने राजगृह में सिगाल पुत्र के कारण संपत्ति विनाश होने के 6 कारणों को अच्छे से बताया गया है। ये 6 कारणों से दूर रहना ही समझदारी है, संपत्ति विनाश होने से बच सकता है। वो 6 कारण इस तरह है। एक, सुरापान या नशा पत्ती आदि मादक पदार्थ सेवन करने से धन संपत्ति का विनाश हो जाता है। दो, हर समय सभी काम धंधा छोड़कर केवल घूमते रहना ये भी संपत्ति विनाश के कारण है। तीन, सिनेमा थिएटर टीवी आदि देखने में आसक्त होना भी संपत्ति विनाश के कारण है। यहाँ आसक्त का मतलब हमेशा देखते रहना, कुछ भी हो, कुछ भी काम आ जाए, फिर भी नहीं, मुझे ये तो देखना ही है, ये तो किन्हीं हालतों में छूटना ही नहीं है, इस तरह आसक्त होना संपत्ति विनाश के कारण है। चार, चित्त प्रमाद होने की खेल, जो जुआ है, जो पत्ता है, जो त्रिपासा है आदि जो खेल है, खेलते रहने से भी संपत्ति विनाश हो जाता है। पांच, बुरे खराब दोस्तों की संगत करने से भी संपत्ति के विनाश हो जाता है। छह, आलसी होकर बिना काम बैठे रहने से भी संपत्ति विनाश हो जाता है। ये 6 कारण है जिस वजह से अपनी धन संपत्ति विनाश हो जाता है। तो स्पष्ट हो जाइए, इन कारणों से दूर रहना है।
पांच तरह के संपत्ति। जीवन में रुपया पैसा ही नहीं, घर जमीन ही नहीं, संपत्ति अनेक तरह की हो सकती है। तथागत बुद्ध ने पांच तरह की संपत्ति का जिक्र किया है। आपको पता है वो पांच क्या क्या है? आइए सुनिए। एक, अपनी परिवार नाता कुटुंब, ये भी एक तरह का संपत्ति है। दो, घर जमीन रुपया पैसा आदि भोग संपत्ति, ये भी संपत्ति है। तीन, अपनी निरोगिता या सुस्वास्थ्य, ये भी संपत्ति है। चार, अपना अच्छा चरित्र, अच्छा कैरेक्टर, ये भी संपत्ति है। पांच, सम्यक दृष्टि या ठीक धारणा, ये सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जिंदगी में केवल रुपया पैसा ही नहीं, ये पांचों के पांचों संपत्ति अपने पास रहा तो जीवन सुखमय है, शांतमय है, आनंदमय है। साधु, साधु, साधु।